सुप्रभातम। मैं बालकृष्ण भक्तजन सेठी आदर्श विद्या मंदिर की कक्षा षष्ठी के व्याकरण के अंतर्गत लकार प्रकरण में लकार का अर्थ परिभाषा एवं उसके प्रकारों का वर्णन पढ़ेंगे। लकार शब्द का शाब्दिक अर्थ काल से लगाया जाता है। काल का अर्थ होता है क्रिया के समय को काल कहा जाता है। क्रिया के समय को काल कहते हैं। हम सब जानते हैं कि संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं, उसमें से हम 5 प्रकार के लकार या काल के स्वरूप को हम पढ़ेंगे। इसको हमें रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। पहला है वर्तमान काल, जिसको हम लट्लाकार कहते हैं। दूसरा है भूतकाल, जिसको हम लंगलकार कहते हैं। तीसरा है भविष्यत्काल, जिसको अपन लिट्लकार कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि संस्कृत में 5 प्रकार के लकार या काल होते हैं, जिसमें से 3 लकारों को रेखा चित्र द्वारा समझा गया है। इसी के आगे 2 लकारों का और उल्लेख करता हूं। लोट लकार या आज्ञार्थक काल, इसको हम आज्ञार्थक काल कहते हैं। संस्कृत में इसको लोट लकार कहा जाता है। व्याकरण की दृष्टि से किसी कार्य के होने या करने के समय को काल कहा जाता है। संस्कृत में समझने के लिए इसके नाम लिखे हुए हैं। लोट लकार जिसको आज्ञार्थक काल कहते हैं, लट लकार जिसको वर्तमान काल कहते हैं, लंग लकार जिसको भूतकाल कहते हैं, और लिट लकार जिसको भविष्यत्काल कहा जाता है। अब हम क्रम से इन लकारों के बारे में और इनसे बनने वाले धातु पदों के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं लट्लकार के बारे में बता रहा हूं, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। इनका प्रयोग धातु पदों के साथ में या क्रिया पदों के साथ में किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के हैं। प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। इसी प्रकार वचन के आधार पर हम देखते हैं कि 3 प्रकार के वचन हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन के आधार पर 3 प्रकार के वचन है और पुरुष के आधार पर 3 प्रकार के पुरुष है। लट्लकार में लगने वाले धातु पदों के अंत में कुछ
लघु तरीके या शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ती तह अंति सी तह थ आमी आवह आमह। इस प्रकार हमने देखा लट लकार में तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसी प्रकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये तो इन धातुओं के पीछे लगने वाले कुछ शब्दांश है। अब हम इनके उदाहरण देखेंगे, जिसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। कोई भी हम धातु लेते हैं, जैसे पट धातु है, इस पट धातु के साथ ती जोड़ने पर शब्द बनेगा पठती। ये जो बनेगा ये क्रियापद, पट धातु के साथ में मैंने इन लगने वाले कुछ शब्दांशों को लिखा है, जिससे हमारे वर्तमान काल की क्रिया में प्रथम पुरुष में ती जोड़ने पर पठती, द्विवचन में पठत और बहुवचन में पठंती बनता है। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठसी, पठत, पठत। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में पठामी, पठाव, पठामह। इस प्रकार ये लट लकार का हमारा एक काल का प्रकरण पूरा होता है। आज मैं आपको गृह कार्य में इसी पर आधारित एक धातु दूंगा, जिसका आपको खुद को कॉपी में निर्माण करके लिखना है। लिख धातु लट लकार के रूप, आपको आज के गृह कार्य में लिख धातु लट लकार के सभी रूप जैसे मैंने लिखे उसी प्रकार से लिखने हैं। अगले धातु हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। नमस्कार।